अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना। मेरे चैनल क्रीमन करी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूं सिर्फ तीन चीज़ों के साथ ये डिलिशियस सा चॉकलेट मूस कप। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये चॉकलेट मूस हम बनाएंगे व्हिपिंग क्रीम, डार्क चॉकलेट और फ्रेश क्रीम के साथ। मैंने अमूल ब्रांड यूज़ किया है, आप किसी और ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं क्रीम, लेकिन बेसिकली हमें ये तीन चीज़ें चाहिए। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे चॉकलेट गनाश के साथ। तो जिसके लिए मैंने क्रीम को जो है उसे अच्छे से गरम कर लिया है। क्रीम आपको बॉयल नहीं करनी है, याद रखें क्रीम जब आप गरम भी कर रहे हैं तो उसे अच्छे से पहले मिला लें, क्योंकि अक्सर फैट और मिल्क जो है सेपरेट हो जाता है, और उसे जब आप गरम कर रहे हैं तो इस तरह से जब बबल्स आ जाएं कोनों में आप फ्लेम ऑफ कर दें, और उसके बाद ये क्रीम जो है आप अपने डार्क चॉकलेट के ऊपर डाल दें। याद रखें क्रीम की क्वांटिटी और डार्क चॉकलेट की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जो डार्क चॉकलेट है वो मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट यूज़ किया है, आप किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। और जब मैंने चॉकलेट बोल में डाला था तो मैंने उसे थोड़ा तोड़ लिया था और वो रूम टेम्परेचर था। इससे क्या होता है कि अगर आप बहुत ठंडे डार्क चॉकलेट के ऊपर क्रीम डालेंगे तो वो ईज़िली मिक्स नहीं होगा। तो इस तरह से जब मैंने क्रीम डाला तो उसे 2 मिनट के लिए कवर भी कर दिया और फिर उसे मिक्स किया है। इस तरह से गनाश मिक्स करना ईजी हो जाता है। अगर आपको तब भी लगे कि ये मिक्स नहीं हो रहा है तो एक डबल बॉयलर लें, मतलब कि आप एक प्याले में पानी गर्म करें, उसके ऊपर ये प्याला रख कर फिर इसे जो है मेल्ट कर सकते हैं, नहीं तो माइक्रोवेव में भी ये कर सकते हैं, और इसे कॉन्स्टेंटली मिक्स करते रहें। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप इसे थोड़ा साइड करके रख दें, जब तक ये रूम टेम्परेचर पर ना हो जाए, क्योंकि ये अभी हल्का सा गर्म होगा। और बेहतर है जब ये रूम टेम्परेचर पे हो जाए तो आप इसे आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए फ्रिज में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हमें इसे व्हिपिंग क्रीम में भी ऐड करना है। तो यहाँ मैंने एक प्याले में ले लिया है व्हिपिंग क्रीम, ये तकरीबन 250 ग्राम है, और मैंने क्रीम बेल का ब्रांड यूज़ किया है व्हिपिंग क्रीम के लिए। अगर आप चाहें तो किसी और ब्रांड का यूज़ करें, लेकिन मैंने क्रीम बेल इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसमें चीनी ऑलरेडी एडेड होती है, तो मुझे अलग से चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर पे मीडियम स्पीड पे तब तक बीट करूँगी जब तक ये स्टिफ पीक्स जो है वो ना पहुँच जाए। इसका मतलब ये कि अगर मैं प्याले को पलट भी दूँ तो भी ये व्हिपिंग क्रीम गिरेगा नहीं, ये उस कंसिस्टेंसी में पहुँच गया है। अगर आप कोई ऐसा व्हिपिंग क्रीम यूज़ करें जिसमें चीनी नहीं एडेड है तो आप 5 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी जो है ऐड कर सकते हैं, तो हर 50 ml के लिए 1 टेबलस्पून चीनी। तो जो हमारा चॉकलेट मूस है बेसिकली उसके 3 लेयर हैं, एक व्हिपिंग क्रीम का लेयर, एक चॉकलेट मूस का लेयर और एक चॉकलेट गनाश का लेयर। तो मैंने जो व्हिपिंग क्रीम बनाया था, व्हिप किया था, उसे मैंने 50% जो है व्हिपिंग क्रीम निकाल के एक पाइपिंग बैग में डाल लिया है, और 50% गनाश को जो ये बचे हुए जो व्हिपिंग क्रीम है ना उसको मैंने चॉकलेट गनाश को 50% इसमें ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारा तैयार हो जाएगा चॉकलेट मूस। अच्छा, जब आप चॉकलेट मूस ऐसे मिक्स कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये स्वर्ल्स अच्छे लगें, तो आप चाहें तो ये स्वर्ल्स वाला भी आप डायरेक्टली मूस जो है ऐड कर सकते हैं, पर मैंने प्रॉपरली इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो मैंने अपना जो प्रिपेयर्ड मूस है, व्हिपिंग क्रीम और गनाश, इसे पाइपिंग बैग में फिल कर दिया है। आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, पाइपिंग बैग से एक्चुअली ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, इसलिए मैंने इसे पाइपिंग बैग में डाला है। तो अब हमारे मूस को हम असेंबल कर देंगे। तो मैंने एक ग्लास का मग लिया है जिसमें मैं लेयरिंग करूंगी। तो पहले मैं डाल रही हूँ चॉकलेट मूस, उसके ऊपर मैं डालूंगी फिर व्हिपिंग क्रीम, और फाइनल लेयर मैं डालूंगी गनाश की। तो ये मैं 2 बार करूंगी एक्चुअली। तो जब आप ये कर रहे हैं तो याद रखें कि आप चॉकलेट मूस और व्हिपिंग क्रीम की जो क्वांटिटी है वो आप इक्वल रखें, गनाश की क्वांटिटी थोड़ी कम रखें, क्योंकि गनाश बहुत ही ज़्यादा मीठा होगा, इवन चॉकलेट मूस बहुत मीठा होगा, तो व्हिपिंग क्रीम जो थोड़ा कम मीठा है वो फ्लेवर को बैलेंस कर देगा। तो जब आप इसकी लेयरिंग कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि क्रीम जो है थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया या ज़्यादा रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो आप फौरन उसे फ्रिज में डाल दें, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तब आप उसकी लेयरिंग करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम लेयरिंग कर रहे होते हैं तो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद जो है ना क्रीम जो है व्हिपिंग क्रीम स्पेशली थोड़ा मेल्ट होने लगता है। तो अगर आपकी लेयरिंग जब हो जाए, आपको लगे कि अब थोड़ा ज़्यादा वो रूम टेम्परेचर पे आ गया है, आप उसे ईज़िली फ्रिज में 1 से 2 घंटे छोड़ दें।
इस डेज़र्ट की स्पेशलिटी यही है कि आप इसे बहुत पहले बना कर रख सकते हैं। अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसे ईज़िली पहले से बना कर रखें और आप इसे जिस तरह से चाहें गार्निश करें। मैंने एक्चुअली चॉकलेट बॉल्स का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ कैडबरी शॉर्ट्स जो आते हैं मैंने उसे जो है उससे इसे डेकोरेट किया है। आप किसी और चीज़ों से भी कर सकते हैं या एज इट इज़ आप इसे सर्व करें। ये बहुत ही देखने में सुंदर डेज़र्ट है, बहुत इजीली बन जाता है। इनफैक्ट मुझे सिर्फ 20 मिनट लगे इसे तैयार करने में। तो प्लीज़ गिव दिस अ शॉट और मुझे बताएं आपको ये कैसा लगा।